सीएम धामी के निर्देशों के बाद उत्तराखंड में विभिन्न गेस्ट हाउस और रिजॉर्ट पर प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है। वहीं रानीखेत क्षेत्र में भी संयुक्त मजिस्ट्रेट जय किशन के नेतृत्व में प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जिला पर्यटन विभाग ने होटल, रिजॉर्ट और होम स्टे में संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई होटलों में घरेलू गैस, कूड़ा निस्तारण सहित खामियां पाई गयी। आपको बता दें कि प्रशासन के औचक निरीक्षण के बाद होटल संचालकों को नोटिस भी जारी किए गए। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन ने महिला कर्मचारियों के साथ काउंसलिंग की। इस दौरान संयुक्त मजिस्ट्रेट ने बताया रानीखेत तहसील क्षेत्र में आने वाले होटल और रिजॉर्ट का औचक निरीक्षण किया गया। जिन होटलों में खामियां पाई गयी उनके खिलाफ नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी। रानीखेत से गोपाल सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार आज हमारी रेवेन्यू, पुलिस और टूरिज्म की टीम रानीखेत तहसील अंतर्गत कई होटल्स और रिजॉर्ट्स का औचक निरीक्षण किया गया। इसमें हम लोगों ने होटल के कंप्लायंसेस देखे, जैसे उनके गेस्ट रजिस्टर का रख रखाव, इसके अलावा फायर की एनओसी है कि नहीं, उनके कर्मचारियों की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनसे जानकारी ली गई, या कोई महिला कर्मचारी है तो उनसे उनके बारे में काउंसलिंग किया गया।